नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताज़ा खबरों की ओर। प्राचार्य गोमेश्वर गिरिया पर कार्यवाही कर निलंबित किया जाए। ब्रह्मे 11वीं की छात्राओं को करता है प्रताड़ित। नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव तथा मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सूरज ब्रह्मे ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बैहर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य गोमेश्वर गिरिया को निलंबित कर अपराध पंजीबद्ध किया जाए। श्री ब्रह्मे ने बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर के प्राचार्य गोमेश्वर गिरिया के द्वारा कक्षा 11वीं की छात्राओं को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जाता रहा है। साथ ही छात्राओं को परीक्षा में फेल करने की धमकी प्राचार्य द्वारा दी जा रही है, जिसकी शिकायत छात्राओं के द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2023 को बैहर SDM से की थी, जिस पर बैहर SDM द्वारा पत्र लिखकर पत्र क्रमांक 150 स्टेनो 23 दिनांक 1 मई 2023 को बैहर विकासखंड अधिकारी को जांच कर एक सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया था, किंतु 12 दिन बीत जाने के बाद भी प्रभारी प्राचार्य गोमेश्वर गिरिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि विकासखंड अधिकारी से ली गई जानकारी अनुसार छात्राओं के बयान हो चुके हैं। छात्राओं के बयान के तत्काल बाद प्राचार्य पर कार्यवाही हो जानी थी। श्री ब्रह्मे जी ने कहा कि हमारे देश में गुरुओं को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है। यदि गुरु ही ऐसा करने लगे तो फिर शिष्य का भविष्य क्या होगा। नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे जी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि छात्राओं के परीक्षा पेपर पुनः जांच करवाई जाए और प्रभारी प्राचार्य गोमेश्वर गिरिया पर कार्यवाही करते हुए निलंबित कर अपराध पंजीबद्ध किया जाए। प्रति श्रीमान संपादक जी, जिला प्रतिनिधि महोदय, तहसील प्रतिनिधि महोदय सादर प्रकाश नाथ। सूरज ब्रह्मे, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मोदी विचार मंच एवं राष्ट्रीय संगठन महासचिव मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग से। क्या है कि मुझे अभी कुछ दिनों पूर्व एक जानकारी मिली कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर के जो प्रभारी प्राचार्य हैं भूमेश्वर गिरी के द्वारा कक्षा 11वीं की छात्राओं को प्रताड़ित किया गया, जिसकी शिकायत छात्राओं के द्वारा दिनांक 10/4/2023 को बैहर के SDM से किया गया था, जिस पर बैहर SDM के द्वारा पत्र क्रमांक 150 दिनांक 1/5/2023 को बैहर विकासखंड अधिकारी को जांच कर एक सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया था, किंतु 5 तारीख से अभी तक लगभग 10 दिन 12 दिन हो रहे हैं, लेकिन प्रभारी प्राचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे प्राचार्य को बचाने का प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि गोमेश्वर गिरिया जो प्राचार्य हैं आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर के, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित किया जाए और उन पर अपराध पंजीबद्ध किया जाए, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिल रही है उससे ये कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि एक प्रचार के बारे में कि एक प्रचार जिस तरह से 11 बजे रात को छात्राओं को प्रॉपर डांस कराने की बात करता है और रात को 11 बजे 12 बजे उठ के उनके कक्ष में जाता है, तो ऐसे प्रचार को और जिस तरह से छात्राओं ने बताई। मिलते हैं अगली बार नई और ताज़ा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।